हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल साइको यूपीएससी। सो टुडे वी गोना स्टडी एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर एंड विच इज़ चैप्टर 6 लर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है लर्निंग। और ये जो फ़ोटो में आप भाई साहब देख रहे हैं, इनका नाम है ए एन वाइट हेड, जो कहते हैं लर्निंग प्रिजर्व्स एरर्स ऑफ द पास्ट एज वेल एज इट्स विजडम। मतलब जो भी लर्निंग है, जो भी आप सीखते हैं, वो क्या करता है, आपके भूतकाल के, आपके पास्ट के जो भी एरर है उनको सुधारता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक वो है हमारा, टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो जो कुछ भी हम सीखते हैं, सबसे पहले जो बोलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपने चैप्टर 7 नहीं देखा है ह्यूमन मेमोरी का, तो उसको ज़रूर देखिए। तो वहीं से हम डायरेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग, कि कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होती है। The world in which we live consists of innumerable objects, living beings and events. These objects and events are different in their structure and functions. तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें अनगिनत ऑब्जेक्ट हैं, लिविंग बींग्स हैं एंड इवेंट्स हैं। जैसे अनगिनत लोग हैं, अनगिनत बिल्डिंग हैं, और अनगिनत इवेंट्स होते हैं, अनगिनत जानवर हैं, जो भी चीज़ें हैं काउंटेबल नहीं है वो। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट और इवेंट को क्या होते हैं, डिफरेंट है। जैसे एक स्कूल की बिल्डिंग छोटी है, एक स्कूल की बिल्डिंग बड़ी है, एक आदमी छोटा है, एक आदमी बड़ा है, एक आदमी नाटा है, एक आदमी लंबा है, एक आदमी मोटा है, एक औरत पतली है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। वन ऑफ द थिंग्स ह्यूमन बींग्स हैव टू डू इज़ टू ऑर्गेनाइज द ऑब्जेक्ट्स, इवेंट, एनिमल्स एक्सेट्रा इन टू कैटेगरीज, सो दैट विद इन द कैटेगरी ऑब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट इवन दो दे आर डिफरेंट इन देयर फीचर्स। सच कैटेगराइजेशन इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट लर्निंग। हाँ, तो बड़ा ही सिंपल है कि कॉन्सेप्ट लर्निंग है क्या। तो जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो उनमें से कुछ बच्चे 5 फुट के हैं, कुछ बच्चे 4 फुट के हैं, कुछ बच्चे 3 फुट के हैं, और कुछ बच्चे 6 फुट के हैं। कोई उनमें से मोटा है, कोई उनमें से पतला है, कोई उनमें से अमीर घर से आता है, कोई उनमें से गरीब घर से आता है। तो आप क्या करते हैं, उन सबको किस बेसिस पे आप एक कैटेगरी बना ली आपने। पहली कैटेगरी आपकी हाइट, दूसरी कैटेगरी आपने बना ली फाइनेंशियल स्टेटस, तीसरी कैटेगरी आपने बना ली लुक्स या फिर वेट। तो इस तरह से आपने क्या किया, अपना जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि एक कैटेगरी बना के। वही क्लास में अगर आपको 50 बच्चे मिले, तो आप उसमें से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप क्या करते हैं, आपका माइंड क्या करता है, अलग अलग कैटेगरी बनाता है। तो इसी कैटेगरी को जो हम बनाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो जैसे ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं माउंटेंस के बारे में, तो उसमें भी क्या कर दिया है आपने, अलग अलग कैटेगरी बना दी है, ब्लॉक माउंटेंस, फोल्डेड माउंटेंस, है ना, इस तरह से। और जो प्लेट्स हैं हमारी, यूरेशियन प्लेट्स और इस तरह से जो भी है, आपने क्या कर दिया है, इनको एक कैटेगरी में बना दिया है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगर ये यूरेशियन प्लेट है तो ये ऐसे बिहेव करेगी, अगर ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है तो ये ऐसे बिहेव करेगी। तो इस तरह क्या कर दिया आपने, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। तो यही है कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज़ अ कॉन्सेप्ट, टाइगर, बनाना, ओ माय गॉड यूपीएससी, एंड अ स्कूल बिल्डिंग। अ कॉन्सेप्ट इज़ अ कैटेगरी दैट इज़ यूज टू रिफर टू अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक कैटेगरी है। जैसे शेर है, ये जानवर की कैटेगरी में आ गया, ये जो बिल्डिंग है ये स्कूल की कैटेगरी में आ गई, या टावर की कैटेगरी में आ गई, ये जो बनाना है ये फ्रूट्स की कैटेगरी में आ गया, और यूपीएससी तो मालूम ही है आपको। अ कॉन्सेप्ट इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ फीचर्स और एट्रीब्यूट्स कनेक्टेड बाय सम रूल। तो जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है बनाना का, तो ये बनाना कौन सी कैटेगरी में आता है, फ्रूट की। तो फ्रूट की कैटेगरी कैसे बनी है, कि फ्रूट्स जो भी होंगे मोस्टली मीठे होंगे, और उनको डिनर में नहीं लिया जाएगा, उनको खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद लिया जाएगा, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। और इस तरह से जो भी कॉन्सेप्ट होगा फ्रूट का आपके लिए, तो आपने क्या कर दिया, एक अलग से उसको फीचर्स दे दिए, एट्रीब्यूट्स कर दिए, और वो कनेक्टेड किससे हैं, एक रूल के साथ। अगर वो फल है तो वो मीठा ही होगा, कड़वा फल बहुत ही रेयरली पाया जाता है, वल्नरेबल हो जाता है।
फीचर्स लाइक कलर, साइज, नंबर, शेप, स्मूथनेस, रफनेस, सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस आर कॉल्ड फीचर्स. फीचर कुछ भी हो सकते हैं, कलर हो सकता है, साइज हो सकता है, नंबर हो सकता है, शेप हो सकता है. तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, बनाना 4-5 दिख रहे हैं आपको, सॉफ्ट है ये. अब यहाँ टाइगर देख रहे हैं, एक अकेला है, लेकिन बहुत हार्ड है, बहुत रफ़ है. और आप भी इसी की तरह रफ बन के ये एग्ज़ाम क्लियर करनी है. कीपिंग दिस इन माइंड, साइकोलॉजिस्ट हैव स्टडीड 2 types ऑफ कॉन्सेप्ट. तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं फीचर्स, इन्हीं एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखते हुए, साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, 2 type के कॉन्सेप्ट बताए. पहला है नेचुरल कॉन्सेप्ट और दूसरा है आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट. अब ये क्या है ये देखते हैं आगे. सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट्स की. वेल डिफाइंड एंड रूल्स कनेक्टिंग द फीचर्स आर प्रिसाइज एंड रिजिड. ओके, एवरी ऑब्जेक्ट मस्ट हैव ऑल द फीचर्स इन ऑर्डर टू बिकम एन इंस्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट. तो आपकी जो NCERT में दिया हुआ है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको बहुत ही सिंपल बताते हैं आपको. कि जैसे आपको एक इमेजिन करना है एक स्क्वायर. स्क्वायर कैसा होता है, 4 sides होती हैं और मोस्टली इक्वल साइड ही होती है. मोस्टली क्या, हमेशा, ऑलवेज इक्वल साइड होती हैं स्क्वायर की. तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्क्वायर का, ये कैसा है, रिजिड है. अगर वो स्क्वायर है तो उसकी 4 sides होंगी, 4a² होगा और क्या होगा, एक फिक्स्ड शेप होगा, एनक्लोज्ड होगा. वैसे ही अगर हम बात करें ट्राइंगल की तो 3 डंडियाँ होंगी और एनक्लोज्ड फिगर होगा. रेक्टेंगल की बात करें तो 2 बराबर जो पैरेलल वाली होंगी वो इक्वल होंगी और एनक्लोज्ड होगा. तो इनका जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, रिजिड है, वेल डिफाइंड है एंड रूल, इनके रूल्स बहुत ही अप्रोप्रिएट हैं कि अगर ये ऐसा है तो ही ये रेक्टेंगल होगा, पेंटागन, हेक्सागन, या अगर किसी हम फ्रूट की बात करें या किसी बिल्डिंग की बात करें तो प्रिसाइज जो होगा एकदम एग्जैक्ट, वैसा ही हम क्या उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट. बात करते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट है नेचुरल कॉन्सेप्ट्स. इसमें क्या आता है, न्यूमरस फीचर्स आर फाउंड इन द इंस्टेंसेस ऑफ अ नेचुरल कैटेगरी. सच कॉन्सेप्ट इंक्लूड बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स एंड ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स सच एज टूल्स, क्लोथ्स, हाउसेस. अब ध्यान से समझिएगा, ये जो नेचुरल कॉन्सेप्ट है, अब बोला बिल्डिंग, तो बिल्डिंग छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है. बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट में कैसे कहेंगे, कोई लंबा होता है, कोई नाटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है. इट्स नॉट अबाउट रेसिज्म हेयर, सो प्लीज़ अवॉइड दिस. एंड कहीं पे आप सीमेंट देखते हैं, कहीं पे आप मिट्टी देखते हैं, इसी तरह की चीज़ें हैं जो है, अगर वो सीमेंट बोला है तो उसमें वेरिएशन हो जाता है, सस्ती क्वालिटी का सीमेंट या महंगी क्वालिटी का सीमेंट, ACC, अंबुजा और ब्ला ब्ला ब्ला. और अगर हम बात करें टूल्स की या क्लोथ्स की, तो अगर किसी ने बोला शर्ट तो फुल शर्ट भी हो सकती है, हाफ टी शर्ट भी हो सकती है और अनेक प्रकार भी हो सकते हैं. तो इस तरह साइकोलॉजिस्ट ने क्या बताया, 2 concepts बताए. एक पहला बताया आर्टिफिशियल और दूसरा बताया नेचुरल. अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भाई साहब नेविगेशन कर रहे हैं, जहाज़ के बाहर देख रहे हैं. यहाँ पर ये भाई साहब आई थिंक ये कार चला रहे हैं. आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्किल लर्निंग. तो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए, अब हम बात करते हैं स्किल लर्निंग की. अ स्किल इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परफॉर्म सम कॉम्प्लेक्स टास्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली, लाइक कार ड्राइविंग, एयरप्लेन पिलोटिंग, शिप नेविगेटिंग, शॉर्ट हैंड राइटिंग एंड राइटिंग एंड रीडिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्किल्स. ओके, सच स्किल्स आर लर्न बाय प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज. ओके, अ स्किल कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ परसेप्शुअल मोटर रिस्पॉन्सेज और एज अ सीक्वेंस ऑफ SR associations. तो ये SR association क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए. तो अब बात करते हैं स्किल लर्निंग की. अब जैसे आप सीखते हैं गाड़ी चलाना या फिर 2-wheeler चलाना या 4-wheeler, तो इसके लिए क्या होता है, आपको पहले दिन से गाड़ी चलाते नहीं आती है, आप धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करते हैं और तब कहीं जाकर आप उसको स्मूथली और एफिशेंटली परफॉर्म कर पाते हैं. या भीड़ भाड़ में आप गाड़ी को रिवर्स कर सकते हैं या बैक कर सकते हैं, कब, जब आपने क्या कर लिया हो, उसकी स्किल हासिल कर ली हो, कब रिवर्स गियर लगाना है, कब एक्सीलरेटर देना है, कब ब्रेक लगाना है और किस तरफ स्टेयरिंग मोड़ना है. तो ये सब कैसे आता है, जब आप पहले दिन जाते हैं तब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप क्या करते हैं, पहले छू के देखते हैं कौन सा बटन कहाँ पर है, एक्सीलरेटर कहाँ पर है या फिर गियर कहाँ पर है, इस तरह की चीज़ें. तो बार बार प्रैक्टिस से, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान. प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज बार बार करने से क्या होता है,
आपके माइंड में चीज़ें बैठने लगती हैं, और 15 दिन के ड्राइविंग कोर्स के बाद आप टूटी फूटी नहीं, थोड़ी अच्छी ड्राइविंग करना सीख जाते हैं। अब बात करते हैं फेजेज़ ऑफ स्किल एक्विजिशन, कौन कौन से फेजेज़ होते हैं। विथ ईच सक्सेसिव अटेम्प्ट एट लर्निंग अ स्किल वंस परफॉर्मेंस बिकम्स स्मूथर एंड लेस एफर्ट डिमांडिंग। ओके, इन अदर वर्ड्स इट बिकम्स मोर स्पॉन्टेनियस और ऑटोमेटिक। और ये है हमारे विन डीजल भाई साहब। तो ये जब गए थे फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की शूटिंग करने, तो इनको कार चलाती बिल्कुल नहीं आती थी। कैसे नहीं आती थी? बिल्कुल नहीं आती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, बार बार प्रैक्टिस की। पहले दिन गए शूटिंग पे, थोड़ी सी कार चलाई, छू के देखा कार कैसी होती है, गियर कहाँ होता है, ब्रेक कहाँ होता है, एक्सीलेटर कहाँ पे होता है। और फिर प्रैक्टिस करते करते 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 45 दिन और 2 महीने बाद उन्होंने क्या किया, विथ ईच सक्सेसिव अटेम्प्ट, हर दिन जाते थोड़ी सी कार चलाते रख देते, फिर नेक्स्ट डे गए थोड़ा सा करते करते क्या किया, उनकी जो परफॉर्मेंस थी बिकम स्मूथर एंड लेस एफर्ट डिमांडिंग। उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो स्मूथ हो गई, एकदम बढ़िया से कार चलाते थे, एकदम फास्ट चलाते थे। और उनको फिर एक समय आया तो क्या हुआ, 2-2.5 महीने बाद वो ऑटोमेटिक, वो जैसे ही बैठते थे ड्राइविंग सीट पे, उनके हाथ पांव अपने आप काम करने लग जाते थे। और इसीलिए उन्होंने लगातार धमाकेदार हिट पिक्चर दी, एंड ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे स्किल एक्विजिशन क्या होता है। अब यहाँ पर एक भाई साहब हैं हमारे फिट्स, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं, फिट्स हैं। इन्होंने बताया स्किल लर्निंग जो होती है वो 3 फेज से पास होती है। CAA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ये है कॉग्निटिव, एसोसिएटिव एंड ऑटोनॉमस। कॉग्निटिव, एसोसिएटिव एंड ऑटोनॉमस, तो ये फिट्स भाई साहब ने हमको बताया स्किल लर्निंग 3 फेज से होकर गुजरती है। अब वो कौन से फेज है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे ये बेलरीन डांस कर रही है, कौन सा डांस कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है, बहुत ही बढ़िया इसने परफॉर्मेंस दिया। जो सामने बैठे लोग हैं, वो दर्शक जो हैं, वो भयंकर तालियां बजा रहे हैं। कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कोई कैसे दे सकता है। तो ये तो ही आज की बात, लेकिन इसकी बैक स्टोरी क्या है, लोग परफॉर्मेंस देखते हैं लेकिन उसने पीछे हार्डवर्क कितनी की है, मेहनत कितनी की है, वो शायद कोई नहीं देखता। यही प्रॉब्लम है हम ह्यूमंस की। ओके, फिलॉसफी करते हैं किनारे, आते हैं साइकोलॉजी पे। तो सबसे पहली प्रोसेस है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या होता है वो हम देखते हैं। द लर्नर हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ द टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म। तो जब क्या हुआ, ये जो लड़की है एक्स, ये सबसे पहली बार जब गई, सर मुझे डांस सीखना है, तो उसने क्या क्या किया, उसको सामने खड़ा करवाया होगा, फिर बताया होगा कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, ये हाथ ऊपर करो, वो पांव नीचे करो, वो टांग आगे करो, सर को घुमाओ इस तरह से, और उसको बताया होगा कि ये टास्क कैसे परफॉर्म करना है। फिर इन दिस फेस एवरी आउटसाइड क्यू, इंस्ट्रक्शनल डिमांड एंड वंस रिस्पॉन्स आउटकम हैव टू बी केप्ट अलाइव इन कॉन्शियसनेस। तो जब पहले दिन ये लड़की गई तो इसका दिमाग कैसा था, कॉन्शियस था। ये जो टीचर उसका बता रहा था, जो इंस्ट्रक्टर बता रहा था, उसको वो हर चीज़ माइंड में, ओके लेफ्ट हैंड ऊपर 3 बार घूमना है, फिर जंप करना है, इस तरह से उसने क्या किया, कॉन्शियस रह के वो सीखा पहले दिन कि जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या डिमांड कर रहा है, मुझको कैसे करना है, और जो भी आउटसाइड क्यू दे रहा था कि ओके जब ये धा 3 बजेगा तो उसको, एग्जांपल दे रहा हूँ, जब भी ये बीट बजेगी तो इस पर ये एक्शन करना है। अब नेक्स्ट क्या होता है, एसोसिएटिव। तो पहली प्रोसेस में क्या हुआ कि जो भी लर्नर है वो इंस्ट्रक्टर के बताए हुए रिट्रीवल क्यूज़ जो होंगे उनको नोटिस करेगा, माइंड को कॉन्शियस रखेगा और कैसे करना है वो देखेगा। एसोसिएटिव प्रोसेस में क्या होता है, डिफरेंट सेंसरी इनपुट्स और स्टिमुली आर लिंक्ड विथ अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। एज द प्रैक्टिस इंक्रीजेज, एरर्स डिक्रीज, परफॉर्मेंस इंप्रूव्स एंड टाइम टेकन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। तो जब पहले दिन गई होगी ये, तो इसने कितने, सिर्फ 4 स्टेप सीखे होंगे, लेकिन 10 दिन बाद जाने के बाद क्या होगा, उसके माइंड को उन बीट्स की, उन गाने की आदत पड़ गई होगी, और उसके बाद वो हल्का फुल्का ऑटोमेटिकली काम करने लगी होगी। वो जैसे ही वो गाना बजता होगा वो ऑटोमेटिकली डांस करना स्टार्ट कर देती होगी। क्यों? क्योंकि जो उसके दिमाग की जो स्टिमुली है, जो इनपुट है, वो लिंक हो गया है कि उसको किस किस बीट पे कौन सा डांस करना है। ये कौन सी प्रोसेस चल रही है, एसोसिएटिव। तो जैसे ही प्रैक्टिस इंक्रीज़ हुई, एरर डिक्रीज, अब वो फटाफट डांस कर लेती है, एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूव, उसके जो डांस वो पहले दिन कर रही थी और जो 15 दिन बाद कर रही है उसमें
काफ़ी इंक्रीज है उसके परफॉर्मेंस में, काफ़ी अच्छा डांस कर रही है। विथ कंटिन्यूड प्रैक्टिस एररलेस परफॉर्मेंस बिगेन्स, दो द लर्नर हैज़ टू बी अटेंटिव टू ऑल द सेंसरी इनपुट्स एंड मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन ऑन द टास्क। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लर्नर हैज़ टू बी अटेंटिव टू ऑल द सेंसरी इनपुट्स। तो जैसे ही वहाँ बीट बजती होगी धा धीना था तीना, तो वो जो तीन चार स्टेप्स को जो करने हैं इन बीट्स पे, उसको क्या करती होगी, ध्यान से सुनती होगी और वो अपने हैंड मूवमेंट्स लेग मूवमेंट्स वैसे करती होगी। क्यों, कैसे करती होगी, कॉन्सेंट्रेट रख के कि मुझे इस पे ऐसा करना है, इस पे वैसा करना है। तो पहले में हमने क्या देखा, हमने कॉग्निटिव में कि वो कॉन्शियस रह के सीख रही थी एक एक स्टेप। एसोसिएटिव में उसको मालूम है कि किस स्टेप पे क्या करना है, तो वो प्रैक्टिस इंक्रीज करके उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई और वो डांस कर रही है। अब आता है हमारा लास्ट जो है ऑटोनॉमस। अब ये क्या है, ये है आज का दिन यानी परफॉर्मेंस का दिन। इन दिस फेज टू इंपॉर्टेंट चेंजेस टेक प्लेस इन द परफॉर्मेंस, द अटेंशनल डिमांड्स ऑफ द एसोसिएटिव फेज डिक्रीज। तो जो इसके पहला फेज था एसोसिएटिव वाला, उसमें जो अटेंशन थी उसकी, ओके ये बीट के बाद ये करना है, थोड़ा सा कॉन्शियस रह के वो सोच रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली सारे एक से लेके 16 स्टेप तक ऑटोमेटिकली वो कर ले रही है। सॉरी, एंड इंटरफेरेंस क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स रिड्यूसेस। और जो इंटरफेरेंस हो रहा था बाहरी फैक्टर से, या कुछ कोई डिस्टर्बेंस कोई आके देख रहा था उसको, तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जा रही थी, या फिर अब तो सामने हज़ार लोग बैठे हैं उसको परफॉर्म करना है, तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कब, ऑटोनॉमस में। फाइनली स्किल्ड परफॉर्मेंस अटेन्स ऑटोमेटिसिटी विथ मिनिमल डिमांड्स ऑन कॉन्शियस एफर्ट। अब क्या हो रहा है, जैसे ही वो गाना बज रहा है, पूरे गाने में वो डांस कर ले रही है बिना किसी एफर्ट लगाए, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। अब उसका दिमाग बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है, जैसे ही वो बीट बज रही है मेरे ढोल ना सुन, तो वो पूरा गाने पे डांस कर ले रही है एंड तक, बिना किसी, कोई मुझे तो देख रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब चलते हैं आगे। अब क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशंस फ्रॉम वन फेज टू द अदर क्लियरली शो दैट प्रैक्टिस इज़ द ओनली मीन्स ऑफ स्किल लर्निंग। तो अभी हमने तीन छोटे छोटे स्टेप्स देखे, कौन कौन से, CAA, कॉग्निटिव, एसोसिएटिव एंड ऑटोनॉमस। तो ये क्या बोलते हैं, पहले आदमी सी में जाएगा, फिर ए में, फिर ए में, यानी पहले वो पहले दिन जो गई डांस करने कॉग्निटिव, देन 15 दिन बाद एसोसिएटिव, और महीने भर बाद वो ऑटोनॉमस फेज में आ गई। तो यहाँ पर ये बोल रहा है स्किल लर्निंग के लिए आपको हर एक फेज से गुजरना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप आज बैठे हमको UPSC एग्ज़ाम क्लियर करना है और फटाक से कर लिए। रेयर केस में ऐसा हो जाता है, लेकिन एक इसका एक ट्रांजिशन फेज़ है कि पहले आप NCERT क्लियर करते हैं, फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़ते हैं, फिर YouTube में यहाँ वहाँ देखते हैं, और फिर आपको मिलता है साइको UPSC जैसा चैनल जिसके माध्यम से आप अच्छी पढ़ाई करते हैं। धन्यवाद। ओके, सो स्किल लर्निंग के लिए क्या ज़रूरी है, हर एक फेज से गुजरना ज़रूरी है। वन हैज़ टू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग, ये है इस कहानी का ब्रह्मास्त्र। वन हैज़ टू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग, एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे ये है हमारे अक्षय कुमार भाई साहब, तो इन्होंने चांदनी चौक में क्या किया, कोई मतलब नहीं था इनको, बेलन चला रहे थे, एक दिन ऐसा आया कि गुरुजी ने इनकी टेबल फेंक के मारी और इनने अपने ही उन्हीं हाथों से तोड़ दी जहाँ ये कभी छोले कुलचे बनाते थे। एज द प्रैक्टिस इंक्रीजेस, जैसे ही आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, इम्प्रूवमेंट रेट ग्रेजुअली इंक्रीजेस। तो जितना पढ़ेंगे, जितनी पॉलिटी याद करेंगे, उतने आपको आर्टिकल 1 से 390 तक याद हो जाएंगे, CAA अमेंडमेंट जो भी याद हो जाएंगे, एंड ऑटोमेटिसिटी ऑफ एररलेस परफॉर्मेंस बिकम्स द हॉलमार्क ऑफ स्किल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑटोमेटिसिटी ऑफ एररलेस परफॉर्मेंस बिकम्स द हॉलमार्क ऑफ स्किल। आपकी जो स्किल है, जैसे 11 पार्ट में कौन सा है, 12 में क्या है, पंचायत है, म्यूनसिपालिटी है ना, और 21 आर्टिकल में क्या है, तो इस तरह की चीज़ें क्या बोलती हैं, एंड ऑटोमेटिसिटी ऑफ एररलेस परफॉर्मेंस बिकम्स द हॉलमार्क ऑफ स्किल। इसका मतलब आपकी जो स्किल है, इसका हॉलमार्क क्या है, ISI साइन क्या है, कि आप बिना किसी गलती के ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे कि ये भाई साहब बहुत ही बढ़िया पिक्चर दी इन्होंने 3 Idiots, आई होप अभी तक आप सब समझ गए होंगे क्या। चलो ओके,
थैंक्स फॉर वॉचिंग अमीगो ई अमीगाज। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर 6 का एक छोटा सा टॉपिक, कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड स्किल लर्निंग। और बाकी के पार्ट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्लेलिस्ट में देखें, प्लेलिस्ट में सब कुछ डला हुआ है। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज़ प्रीशियस। ओके।